हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जल्द आएगा LIC का IPO, केंद्र ने सेबी के समक्ष दिया आवेदन। केंद्र सरकार ने लंबे मंथन के बाद LIC को बाजार के लिए खोलने का फैसला कर लिया। LIC IPO के लिए केंद्र सरकार ने नियामक सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के समक्ष आवेदन कर दिया है। अनुमान है कि सरकार LIC की 5% हिस्सेदारी बेच सकती है। बाजार में आने वाले LIC IPO में कंपनी के पॉलिसी होल्डर्स के लिए 10% हिस्सा रिजर्व रखा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक रिकॉर्ड डेट 13 फरवरी होगी और पैन कार्ड पॉलिसी में 28 फरवरी तक अपडेट होना चाहिए। पॉलिसी होल्डर के लिए 2,00,000 रुपए अधिकतम सीमा की गई है। LIC इंडिया IPO का निर्गम आकार 31,62,49,885 शेयर है। इसमें रिटेल कोटा 35% है। गौरतलब है कि सरकार LIC का IPO लाने के लिए लंबे समय से कवायद कर रही है और इसके लिए विशेषज्ञ कंपनियों से सेवाएं भी ली गई हैं। LIC बोर्ड ने अपनी बैठक में IPO को मंजूरी दे दी है। सेबी की मंजूरी के साथ LIC कुछ दिनों में शेयर बाजार में सार्वजनिक पेशकश कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि IPO मार्च में पूंजी बाजार में दस्तक दे सकता है। सूत्र बताते हैं कि सरकार का लक्ष्य मार्च तक LIC को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध करना है। IPO का एक हिस्सा एंकर इन्वेस्टमेंट के लिए रिजर्व होगा। LIC के IPO इश्यू का 10% तक शेयर पॉलिसी धारकों के लिए रिजर्व होगा। $8.65 अरब मूल्यांक के साथ LIC दुनिया का 10वां सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड है। चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार के विनिवेश लक्ष्य में 78,000 करोड़ रुपए की कमी रहने के अनुमान के बीच सरकार के लिए LIC का IPO अहम है। सरकार अब तक एयर इंडिया के निजीकरण और अन्य सरकारी उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी बेचकर लगभग 12 करोड़ रुपए जुटा चुकी है। LIC की 2020 में घरेलू बाजार में हिस्सेदारी 64.1% से अधिक थी। क्रिसियल की रिपोर्ट के मुताबिक LIC जीवन बीमा प्रीमियम के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। जागरूक टीवी की नई दिल्ली से खास रिपोर्ट।